हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से करते जा रहे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको वेक्टर चैप्टर, और वेक्टर चैप्टर का यूज जो है ना पूरे फिजिक्स में आपको आएगा, सब जगह आएगा। कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा फिजिक्स का तो उसमें वेक्टर एंट्री करेगा। तो वेक्टर जो है आपको हर हाल में ग्रिप में होना चाहिए। यदि आपके हाथ में वेक्टर है, आपके माइंड में यदि स्टोर है वेक्टर, तो पूरे फिजिक्स को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एकदम बहुत मजा आएगा, इतना मजा आता है ना यार कि इतना आसान आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। यदि आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो ऐसा सब्जेक्ट आपको आसान कोई नहीं मिलेगा। लेकिन रियल में देखा जाए तो ये सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग आएंगे वेक्टर चैप्टर पर। सबसे पहले मैं देखते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स को कई तरह से डिफाइन किया जाएगा और इसको कई तरह से डिफाइन किया जाता है। जितना मैं डिफिनेशन बताऊंगा इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट डिफिनेशन मैं देने जा रहा हूं, ये फिजिक्स क्या होगा, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स जो है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल इवेंट्स एंड लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको कैसे आप समझेगा, यहां पर ध्यान दीजिए। क्या कहता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल इवेंट्स एंड लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स किसका स्टडी करता है? नेचुरल इवेंट का दोस्तों स्टडी करता है। किसका स्टडी करता है? नेचुरल इवेंट का। अब यहां पर नया वर्ड आया कि नेचुरल इवेंट्स होता क्या है, व्हाट आर द नेचुरल इवेंट्स, और दूसरा वर्ड है लॉज ऑफ नेचर। आप खुद समझिए, बिना लॉ का ये नेचुरल इवेंट का स्टडी होगा क्या? नहीं होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, क्या लॉज ऑफ नेचर है। तो विदाउट लॉज ऑफ नेचर आप फिजिक्स का ये जो है किसी भी नेचुरल इवेंट का, फिजिक्स में जो भी नेचुरल इवेंट होगा उसका स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स किसको स्टडी करता है? नेचुरल इवेंट्स का स्टडी करता है, और बिना लॉज ऑफ नेचर का नेचुरल इवेंट का स्टडी नहीं होगा। नेचुरल इवेंट्स होता क्या है ये पहले समझ लीजिए, एकदम आराम आराम से पढ़िए। नेचुरल इवेंट्स क्या होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर नेचुरल इवेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। और क्या इसको बोलेंगे? नेचुरल फिनोमेना बोलेंगे। दिस इज नेचुरल फिनोमेना। इवेंट्स का को हम लोग फिनोमेना भी बोलेंगे। ऐसे होता है, फिनोमेनन होता है, इवेंट होगा तो उसको हम लोग फिनोमेनन बोलेंगे। फिनोमेनन का मतलब क्या होता है? इवेंट। इवेंट का मतलब कोई घटना घटा, वही क्या है? इवेंट है। और इवेंट का प्लूरल फॉर्म इवेंट्स होता है, उसी तरह फिनोमेनन का प्लूरल फॉर्म जो है फिनोमेना होता है। तो नेचुरल इवेंट्स होता क्या है इसी को मैं बताने जा रहा हूं। तो नेचुरल इवेंट्स क्या होगा यहां पर ध्यान दीजिए। इधर जैसे मान लीजिए, अरे जिंदगी में आप स्टोन देखे ना है जी, तो स्टोन को, दो स्टोन को, पत्थर यार, पत्थर को आप उसको टकराइए, तो टकराइएगा तो क्या होगा? डांस करेगा। अरे यार टकराइएगा वहां पर, तो जैसे टकराएगा तो वहां से साउंड इमिट होता है। क्या होता है? साउंड इमिट होता है। और बताइए क्या होगा? टकराएगा तो उसमें चिंगारी निकलता है, चिंगारी मतलब लाइट निकल रहा है नहीं, और जहां पर टकराता है ना वहां पर हॉट हो जाता है,
जहां पर टकराता है दोस्तों वहां पर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। जहां पर टकराया अब बारी बारी पत्थर को टकराते रहिए, टकराते टकराते हॉट हो जाता है। इसका मतलब हॉट क्यों हुआ, ड्यू टू हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के कारण वो हॉट हो गया। आप खुद समझिए कि ये जो है दो स्टोन को आप स्ट्राइक किए तो वहां से क्या निकला था, साउंड। तो वहां जैसे ही मैंने दो स्टोन को स्ट्राइक किया तो वहां से साउंड इमिट हुआ। तो साउंड कहां पढ़ते हैं आप, फिजिक्स में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, बिल्कुल पढ़ते हैं। जैसे आप साउंड जो है ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैथ में पढ़ते हैं कि जूलॉजी में पढ़ते हैं कि बॉटनी में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। स्टोन को स्ट्राइक किए थे तो वहां से लाइट इमिट हुआ। अब आपसे मैं पूछे कि लाइट कहां पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, कि आपका जूलॉजी बॉटनी में? अरे थोड़ा बहुत तो यार सब जगह जो डिटेल से कहां पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसलिए ये जो है नेचुरल इवेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरली इमिट हुआ। जैसे देखिए ना, स्टोन को स्ट्राइक किए तो वहां से लाइट इमिट हुआ और क्या हुआ, साउंड इमिट हुआ। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर लाइट इमिट हो रहा है क्या, कितना भी इसको मार करके चूर भी देंगे ना तो लाइट इमिट नहीं होगा। इसका मतलब कि यदि मेरे बस में होता तो यहां भी देखिए दो बॉडी को टकरा रहे हैं, वहां भी दो बॉडी को टकरा रहे थे, लेकिन स्टोन को मैंने जब स्ट्राइक किया तो वहां से लाइट इमिट हुआ, साउंड इमिट हुआ, जहां पर टकराया हॉट हो गया। यहां हॉट तो हो रहा है लेकिन लाइट कितना भी हम कोशिश कर लें नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये मेरे बस में जो इमिट हो रहा है, ये जो निकल रहा है, वो मेरे बस की बात नहीं है। जो मेरे बस में नहीं, किसके बस में, ऊपर वाले के बस में, मतलब कहने का मतलब नेचर के बस में। जब नेचर के बस में होगा तो जो भी नेचर वाले, नेचर के बस में होगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इवेंट्स। क्लियर है? उसी का ये फिजिक्स स्टडी करता है। किसका स्टडी करता है, नेचुरल इवेंट्स का स्टडी करता है दोस्तों। क्लियर है? चलिए और ध्यान दीजिएगा, लाइट पढ़ते हैं फिजिक्स में, साउंड पढ़ते हैं फिजिक्स में, जहां पर स्ट्राइक हुआ वहां पर हॉट हो गया। तब हीट एनर्जी अब कहां पढ़ते हैं, हीट कहां पढ़ते हैं, टेम्परेचर कहां पढ़ते हैं, या फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है? और ध्यान दीजिए, जैसे इस पेन को मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आके गिर जाएगा, ऊपर क्यों नहीं गया? अरे भाई नीचे इसलिए गिर गया ना, क्यों गिरा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपके कारण हो रहा है क्या, ये नीचे आपके कारण आ रहा है, नहीं ना? आप बोलिए क्या है पेन, वहां रुके हुए रहो, रुकेगा क्या, जिंदगी में नहीं रुकेगा। इसका मतलब ये भी आपके बस की बात नहीं है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। ये नेचुरली आ रहा है नीचे की तरफ, क्यों आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप कहां पर पढ़ते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में? अरे यार हम लोग यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जाहिर बात है ये हमको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। और ध्यान दीजिए, जैसी सरफेस यदि स्मूथ रहेगा तो आप इस पर मूव कर पाइएगा क्या, कहां मूव कर पाइएगा, नहीं मूव कर पाइएगा। क्यों मूव कर रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसको घर्षण बल बोलते हैं। तो यदि ये स्मूथ नहीं होता तब निश्चित रूप से फ्रिक्शन लगेगा, और स्मूथ रहेगा तो चल पाइएगा, चल ही नहीं पाइएगा, पैर स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब कि फ्रिक्शन आपके बस की बात नहीं है। अब थोड़ा देर के मान के चलिए कि आपके बस में है, तो यहां पर क्या कीजिए कि एक ये मोबिल वाइल के नाम सुने हुएगा, तेल, अरे मोबिल जिसको बोलते हैं, उसको गिरा दीजिए। अब चलिए तो मजा आ जाएगा, अब नहीं चल पाइएगा, पैर स्लिप कर जाएगा। तो यदि फ्रिक्शन आपके बस में होता तो अभी भी आप चल सकते थे कि नहीं, चल सकते थे, लेकिन ये आपके बस में नहीं है, इसलिए तो नेचुरल इवेंट है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स भी ये नेचुरली एक्ट होता है। तो जाहिर बात है फ्रिक्शन हम लोग कहां स्टडी करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए
तो उम्मीद करते हैं ये व्हाट इज फिजिक्स सब डिटेल से समझ गए होंगे और जिंदगी में ये कभी भूलिएगा भी नहीं, भूल जाएगा क्या, नहीं भूलिएगा, क्यों नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए, कोई भी यार आज तक डॉक्टर इंजीनियर केवल थ्योरी पर के नहीं बना है, वो प्रैक्टिकल किया ही होगा, तो क्यों ना पूरे फिजिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चले, कभी दिक्कत नहीं करेगा। तो ये स्टोन नहीं देखें जिंदगी में क्या, उसको स्ट्राइक करने में क्या जाता है, वहां से देखिए आपको ये व्हाट इज फिजिक्स एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहीं भी आप पढ़िए उसको एकदम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके पढ़िए, आपको टोटल के टोटल भेजा में घुस जाएगा, भेजा में मतलब माइंड में, क्लियर है ना? तो भेजा का मतलब भेज दिए नहीं समझ जाना है, माइंड में सेट हो जाएगा हर हाल में। चलिए अब इसको कई तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक तो डिफिनेशन आपका ये हो गया, ये रहा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल इवेंट्स एंड लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचुरल इवेंट्स का मतलब बता दिए, जो भी नेचुरली अकर करेगा डेट इज कॉल्ड नेचुरल इवेंट्स। अब बोलिएगा कि तो सर स्टोन का स्ट्राइकिंग ये तो आर्टिफिशियल, लेकिन वहां से साउंड और लाइट जो इमिट हुआ है वो आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि उसको आप रोक सकते हैं। तो जो भी लाइट साउंड इमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, वो आपके बस की बात नहीं है यार। तो जो भी नेचुरली इमिट हो रहा है डेट इज कॉल्ड नेचुरल इवेंट, और उसी का ये फिजिक्स स्टडी करता है। अब चलिए अदर डिफिनेशन पर इसका मैं जा रहा हूं। फिजिक्स से होता है फिजिकल, फिजिक्स से क्या होता है दोस्तों, फिजिकल। फिजिक्स से होता है फिजिकल, फिजिक्स से क्या होता है फिजिकल होता है। तो फिजिक्स से हो गया फिजिकल, क्वांटिटीज, क्लियर है ना? यानी फिजिक्स में जो भी स्टडी करना होता है ना, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी होता है। फिजिक्स किसको स्टडी करता है, फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करता है दोस्तों। फिजिक्स किसका स्टडी करता है, फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करता है, बस केवल बस यही माइंड में रखना है। अब यहां पर बात ये क्वेश्चन ये उठती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। तो फिजिक्स में जो भी स्टडी करना है दोस्तों वो किसके बारे में करना है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी इसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, तो इस साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। यानी ऐसा साइंस का ब्रांच जो किसको स्टडी करता है, डील्स विथ मतलब अध्ययन करता है, फिजिकल क्वांटिटीज को अध्ययन करता है, वही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब रह गया यहां पर नया वर्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। देखिए एकक वर्ड का एक्सप्लेनेशन आप जानते जाइए, फिजिक्स में कोई जान ही नहीं है। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है उसको हम लोग डिटेल से देखते हैं, क्या होता है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज देखिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तो स्टेट बोर्ड वालों के कुछ जो है उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम करता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपको वेक्टर जाते जाते पूरा इंग्लिश भी आपको सिखा डालूंगा।
बस जितना बोलूंगा दोस्तों उतना जरूर कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, लोग इसको बोरिंग करके पढ़ाते हैं इसलिए दिक्कत होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है दोस्तों क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल जैसे देखिए मास को माप सकते हैं, नहीं कब माप सकते हैं, 1 kg 2 kg 3 kg जो भी स्टेट बोर्ड के लोग हैं वो हिंदी में मत पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िएगा आगे चल करके सब आपको इंग्लिश में, ऐसा तो नहीं कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी पढ़ाया जाएगा, इसलिए हिंदी भी पढ़ने से अच्छा है आप इंग्लिश में ही पढ़िए और शुरू में स्टार्टिंग में दिक्कत होगा बाकी फिर सुधर जाता है। मास को मेजर कर सकते हैं कैसे, जाते हैं दुकान में तो बोलते हैं ना भाई 5 kg चीनी डाल दे दो, वो बेचारा क्या करता है 5 kg चीनी जोख करके आपको दे देता है। दुकान में जाते हैं बोलते हैं 1 kg आटा दे दो, तो उसको मेजर कर सकते हैं तब ना वो बोल रहा है। तो मास को आप मेजर कर सकते हैं कैसे, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg कर सकते हैं, डिस्टेंस कर सकते हैं कि नहीं एकदम बिल्कुल कर सकते हैं यार, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहां से मान लीजिए कि दिल्ली का डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर, तो उसको मेजर कर सकते हैं तब ना बता रहे हैं, क्लियर है। टाइम को मेजर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, 5 o'clock 6 o'clock यदि नहीं मेजर कर सकते तब स्कूल जाना होता तो कोई भोर में ही पहुंच जाता 4 बजे भोर में ही, कोई 12 बजे रात के भी पहुंच जाता। तो जब नहीं मेजर कर सकते तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, स्कूल वाला बता नहीं पाएंगे कि कब आना है, जब मन तब हुआ चल तो स्कूल पहुंच जाइए। तो टाइम को यार मेजर कर सकते हैं, 5 o'clock 6 o'clock 5 बज रहा है 10 बज रहा है 9 बज रहा है 8 बजे इसको मेजर कर सकते हैं। चलिए और बताइए स्पीड मेजर कर सकते हैं, गाड़ी में देखिएगा स्पीडोमीटर लगा होता है, तो गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ये बताएगा ना, तो स्पीडोमीटर उसमें लगा हुआ रहता है, स्पीड को मेजर करेगा। वॉल्यूम इसको भी मेजर कर सकते हैं कैसे, अब गाड़ी चलाते हैं तो तेल लाने जाते हुएगा तो क्या कहते हैं, गाड़ी खड़ा कर देते हैं कहते हैं भर दो, तो भर दो कितना भर दो, ऐसा बोलो मत कीजिए हम ताको बेवकूफ बना देगा, समझ आए कि लगता है कहीं से गांव देहात से उठ करके चला है, इसको अभी भेजा काम नहीं करता है, तो गाड़ी लगा करके जाके डायरेक्ट ये बोलिए भर दो यार भर दो, तो ऐसा नहीं होता है, आपको पूछेगा कितना दे भाई साहब, तो आप बोलिएगा 2 लीटर 4 लीटर या बोलिएगा फुल टंकी कर ना दो और जो रीडिंग होगा ले लेना, तो वहां पर वॉल्यूम 5 लीटर 6 लीटर ये सब क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। नहीं बहुत ऐसा क्वांटिटी है, फोर्स का नाम सुने होइएगा 5 न्यूटन 6 न्यूटन ये फोर्स है, इसको भी मेजर कर सकते हैं, कितना लिखिएगा पूरा फिजिक्स में तो यही पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही जानने लिखते लिखते पूरा पेज भी भर जाएगा ना, तो ये खत्म होने वाला नहीं है, केवल दोस्तों समझ लेना है कि ये होता क्या है, बाकी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी मिलते जाएगी, तो इतना ज्यादा है कि हमको ETC लिखना ही पड़ेगा। तो ETC का मतलब आप तो लोग तो जानते ही होंगे, इसका मतलब और भी आगे
मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए एग्जाम्पल ईजी का मतलब जानते हैं, एग्जाम्पल होता है या ईएक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया जिसको मेजर कर सकते हैं, वो क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स में जो भी स्टडी करना है दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में दोस्तों स्टडी करना है। अब यहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं वो क्या होगा, चलिए देख लीजिए, उसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। नॉन मतलब नहीं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। नॉन मतलब नहीं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऐसा क्वांटिटीज दोस्तों जिसको जिंदगी में नहीं मेजर कर सकते हैं। जिंदगी में कहने का मतलब न आज न कल, जिंदगी में कभी मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का एबीसीडी कुछ नाम ले ना लीजिए, चलिए ना राधा रानी जो लेना है ले लीजिए राधा, और एक रानी है, एक राधा है तो एक रानी है। राधा बोल रही है क्या रानी से कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं? तो राधा ने रानी से बोली कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं, तो रानी बोलती है कि कितना ज्यादा है, तो क्या 5 केजी कि 2 केजी कि 100 ग्राम, नहीं बता सकते यार। तो कौन कितना सुंदर है, कौन कितना स्मार्ट है, ये मेजर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, ये केवल फील किया जा सकता है कि फलनवा फलनवा से ज्यादा सुंदर है, राधा रानी से ज्यादा सुंदर है, मोहन श्याम से ज्यादा सुंदर है, मोहन श्याम से ज्यादा काला है। कितना ज्यादा काला है बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इसलिए ब्लैकनेस स्वीटनेस ब्यूटी को तो नहीं मेजर कर सकते हैं, सुंदरता को नहीं मेजर कर सकते हैं। कौन कितना काला है ब्लैकनेस नहीं कर सकते हैं मेजर, कौन कितना ज्यादा व्हाइट है नहीं मेजर कर सकते हैं। जैसे 2 पेज ले लिए, अब बोलेंगे कि ये ज्यादा व्हाइट की ये ज्यादा व्हाइट, कितना ज्यादा नहीं बता सकते। तो इसको लोग दोस्तों बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और बहुत सारा है ईटीसी। ईटीसी तो इसीलिए बना ही है, नहीं इसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन मतलब नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं दोस्तों, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। तो इसको केवल फील किया जाता है, मेजर नहीं किया जाता है, इसलिए इसको फिजिक्स में स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। आज तक सुने हैं क्या कि कौन कितना ज्यादा सुंदर है, फिजिक्स में सुने हैं कभी? और नहीं सुनिएगा तो कौन कितना ज्यादा सुंदर है, कौन कितना ज्यादा ब्लैक है, इसको यार हम लोग फिजिक्स में नहीं मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ते नहीं है। तो फिजिक्स का ये भी डिफिनेशन सही है, ऐसा साइंस का ब्रांच जो फिजिकल क्वांटिटीज को अध्ययन करता है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करता है। इसलिए फिजिक्स को एक लाइन में ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, एक लाइन में इसको डिफाइन करना है दोस्तों। तो इसको आप जैसे मान लेते हैं कोई पूछा व्हाट इज फिजिक्स, तो एक लाइन में फटाक से बोल दीजिए, अगला को यदि बुद्धि होगा भेजा होगा तो समझ जाएगा आपकी बात, नहीं समझेगा तो मत समझो यार। तो आप अपना जो है जो भी कोई पूछे तो फटाक से आंसर दे दीजिए, अगला के यदि दिमाग होगा तो समझेगा, गधा होगा तो नहीं। समझ में आएगा? इट इज द
साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्या मजेदार डिफिनेशन है। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, वाह क्या बात है, एकदम शॉर्टकट डिफिनेशन है। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, कोई पूछेगा व्हाट इज फिजिक्स, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। कहां से आया, वही फिजिकल क्वांटिटी से आया। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए तो इसको बोला गया कि ऐसा साइंस जिसमें मेजरमेंट का केवल काम होता है। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, दिस डिफिनेशन इज द बेस्ट डिफिनेशन फॉर फिजिक्स, ये सबसे अच्छा डिफिनेशन है फिजिक्स के लिए। जैसे आप लोग इंग्लिश में नाउन का डिफिनेशन पढ़ते होइएगा, एक स्टूडेंट बताया द नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, या सीधे कहेगा नेमिंग वर्ड। और एक स्टूडेंट ऐसा बता रहा है द नेम ऑफ पर्सन प्लेस इट इज, अरे कितना नाम लीजिएगा, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस जो बोल रहा है उसका भी सही है, लेकिन दोनों में सबसे अच्छा कौन, नेमिंग वर्ड। ओ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, ये ओल्ड डिफिनेशन हुआ, उसका जमाना गया, लेकिन लिख दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। लेकिन लोग यही सोचेगा कि अभी पुराना दुनिया में चल रहा है, भाई पुराना दुनिया में जी रहा है। इतना ही नहीं, पहले जो है आईआईटी को ऐसे लिखा जाता था, क्लियर है, लेकिन अब धड़ल्ले से आईआईटी जेई ऐसा लिखा जाता है। क्यों, डॉट का जो है ना एब्रिविएशन में डॉट का जमाना गया, ये सब ओल्ड कंसेप्ट है, दिस इज द न्यू कंसेप्ट। तो अब जो भी शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है दोस्तों, उसमें डॉट का जमाना गया, अब डॉट नहीं चलता है। तो ऐसे में लिख दिया तो गलती नहीं होगा, लेकिन इसको निगेटिव सोचा जाएगा क्योंकि ये ओल्ड कंसेप्ट हो गया। और इसमें देखिए टाइम टेकन भी ज्यादा रहा है, डॉट दीजिए डॉट दीजिए डॉट दीजिए, इंक भी ज्यादा खपत हो गया। अरे मेरा तो इंक नहीं खपत हो गया, या डिजिटल ही है, लेकिन आप कॉपी पर लिखेगा तो होगा ना खपत ज्यादा, इसलिए ये सब ओल्ड कंसेप्ट है, तो इसका जमाना गया, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों फिजिक्स पढ़ने जो आप जा रहे थे इसको हम लोग हर एक तरह से देख लिए, व्हाट इज फिजिक्स। अब कोई आदमी मूवी देखने जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कौन सा मूवी देखने जा रहा है, उसको हॉल में मजा आएगा, सिनेमा हॉल में मजा नहीं आएगा, वो केवल देखेगा डांस देखेगा फोटो देखेगा, यही देखेगा केवल। इसलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे थे तो फिजिक्स को हर एक तरह से मैंने डिफाइन कर दिया, तो इसको कई तरह से हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका डिफिनीशन ही आपको नहीं पता है, मजा आएगा नहीं मजा आएगा। जैसे ही बताने के पहले मैं व्हाट इज फिजिक्स बहुत लोगों से जब मैं पूछा तो इसको एक्सप्लेन लोग नहीं करते हैं, डिफिनेशन तो बता देंगे लेकिन व्हाट आर द नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरे फिजिक्स को इसी तरह पढ़िएगा, आपको जिंदगी में फिजिक्स दिक्कत नहीं करेगा। तो जो स्टूडेंट जूनियर क्लास हो या सीनियर क्लास हो, मैं तो ये 11 प्लस आईआईटी और नीट के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो जूनियर वालों को लिए भी पढ़ाऊंगा कभी कभी, इसलिए वो लोग भी अपना वीडियो देखते जाइएगा, जूनियर वालों को भी मैं पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स काफी आसान सब्जेक्ट होता है, इसी के कारण जो है लोग जो है ना इसको इतना ना टफ बना देता है ना कि उसको नीट आईआईटी लोग से निकलता ही नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए कम मेहनत में अच्छा जब हो जाए तो उससे बढ़ के क्या चीज है, कोई चीज नहीं है। तो बहुत आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स, और मजे से इसको पढ़िए, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों इसको शेयर सब्सक्राइब खूब जम करके कीजिए, पूरा अपना दोस्तों के बीच कीजिए, सबको फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है उसको फिजिक्स से टेंशन दूर हो जाएगा, यही सबसे बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, इसलिए सबको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।